सब्सक्राइब कीजिए हुमा इन द किचन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए इजी और शॉर्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही स्पेशल और आसान मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसका नाम है मैंगो फ्लोट। बहुत आसान, बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग बनता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 2 बड़े साइज़ के आम और अगर छोटे हैं तो 3 इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपके पास चौंसा है जो कि बहुत ही मीठा और मज़े का आम होता है, पाकिस्तान का फेमस, तो वो यूज़ करें तो बेस्ट है। लेकिन ये है कि आप डिफरेंट जो दूसरे मैंगोज हैं उससे भी इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये है मेरे पास 2 कप के जितनी या फिर 480 ml हैवी व्हिपिंग क्रीम और इसको जो है वो मैं 1 से 2 मिनट बीट करके फिर इसमें ऐड कर दें स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। आज मैं कैन का यूज़ कर रही हूँ, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद आपने इसको जस्ट इतना ही बीट करना है कि इस तरह से ये क्रीम थिक हो जाए। आपको स्टिफ पीक्स बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसको केक के लिए यूज़ नहीं करना। और आपको चाहिए होंगे टी बिस्किट, आप मैरी भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे टर्किश टी बिस्किट इस्तेमाल करूँगी अलकर। और जो लोग कनाडा में हैं उनकी आसानी के लिए ये आपको वॉलमार्ट में आयल नंबर 1 इंटरनेशनल फूड्स की जो आयल है जहाँ बादाम पिस्ता रखा हुआ होता है उसके बराबर में ये बिस्किट रखे हुए हैं तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अराउंड एक रोल जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले 8x8 की ये चौकोर डिश लेके इसमें आप पहली लेयर बिस्किट की लगा दें इस तरह से और जो किनारे हैं साइडों पर आप इस तरह से कट करके बिस्किट जो है वो लगा दें। अब क्रीम को आपने 3 हिस्सों में अंदाजे से ही डिवाइड करके उसकी लेयर लगानी है। तो ये पहली लेयर क्रीम की मैं ऐड कर रही हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बस अंदाजे से आप क्रीम ऐड कर दें। तो ये पहली लेयर जो है वो लग गई है, इसको थोड़ा सा सेट करें, थोड़ा टैप करें और फिर इसके बाद एक लेयर मैंगोज़ की लगा दें। और जो मैंगो की आप स्लाइसेस कट करें वो पतली पतली काटें, बहुत ज़्यादा थिक आपने कट नहीं करना। और फिर ये अब सेकेंड लेयर क्रीम की, और फिर क्रीम की लेयर लगाने के बाद दोबारा से बिस्किट की लेयर आएगी और फिर आखिर में दोबारा से क्रीम की लेयर आएगी। तो एक्चुअली क्रीम की 3 लेयर्स लगेंगी और आखिर में मैंगो की लेयर लगा दें। और फिर इसके बाद एक ज़िपलॉक बैग में सेम टी बिस्किट डाल के आप बिस्किट से उसको चूरा कर लें और इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें। और इसके बाद इसको कवर करके मैं फ्रीज़र में रख दूंगी 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट रख दें तो बेस्ट है। ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा और फिर इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था कवर करके और 5-6 मिनट के लिए आप इसको काउंटर टॉप पे एज इज़ छोड़ें सर्व करने से पहले ताकि इसको कट करने में आपको आसानी हो जाए। और फिर इसके बाद आप इसके पीसेस कट करें और इसके स्लाइसेस को सर्व करें राइट अवे। ये डिज़र्ट बनाना भी बहुत आसान है और मौसम की मुनासबत से जैसे कि अब रोज़े भी हैं और गर्मी भी है तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और बहुत क्रीमी और मज़े का बनता है ये और बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग भी है। इसमें जो कॉम्बिनेशन है क्रीम मैंगो और बिस्किट का ये बहुत मज़े का लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।